अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम आपको काबली पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। मेरा नाम ताज है, ताज रेस्टोरेंट के नाम से मेरा होटल है और यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प और बहुत मज़ेदार खाना इंशाल्लाह आपको मिलेगा यहाँ पे। और आज हम आपको काबली पुलाव बनाने का तरीका बताएंगे। ये हमने तकरीबन 1.5 किलो राइस लिया है जो तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और ये हमने पानी निकाल के यहाँ पे रख दिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ है, हड्डी वाला, इसमें हड्डी भी शामिल है। ये गाजर है, गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया पहले से। ये ऑरेंज के स्लाइस बने हुए हैं। ये किशमिश है हमारे पास, और ये तकरीबन 150 ग्राम की चीनी। इसके अलावा हम नमक ऐड करेंगे, वो हसब जायका होगा। और इंशाल्लाह हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी के लिए कुकर प्रेशर में गोश्त डालते हैं। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बचाए तेजके के लिए। 1.5 किलो 2 लीटर पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन बंद कर देंगे। ये हमने रख दिया और तकरीबन इसको एक घंटा 15 मिनट इसको लगेंगे गलने में। हमारा गोश्त उबल गया, अब हमने गोश्त को अलग कर दिया है, यखनी अलग कर दी है। अब हमने 2 कप घी में ये हम सारी चीज़ें डाल के इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। सबसे पहले ये 2 अदद प्याज बारीक काटा हुआ ये डाल दिए। अब हम इसमें तमाम अज़ा शामिल करेंगे। ये गाजर, किशमिश, ऑरेंज, चीनी, नमक 1 चम्मच, पूरी 2 चम्मच नमक हमने डाला। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। पकाएंगे आपकी आंच पे 5 से 6 मिनट। ये अब तैयार हो गया है, इससे आधा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। और आधा हम बड़े पतीले में कन्वर्ट कर रहे हैं चावल, क्योंकि चूंकि ज़्यादा है इसलिए हम उसको बड़े पतीले में। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। कुछ देर के लिए हम इसको ओपन करते हैं। और हम इसमें यखनी को शामिल करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गोश्त से निकली हुई थी पड़ी हुई।
हम इसमें ये तकरीबन 2 चम्मच गरम मसाला जो पिसा हुआ है इसमें तमाम अज़ा शामिल है इसमें शामिल करते हैं। इसको उबाला आने तक हम इसको कवर कर लेते हैं। अब पानी इसे उबल गया है, अब हम इसमें जो चावल भिगोए हैं वो शामिल करेंगे। हल्की आंच पे इसको पानी खुशक होने तक हम पकाएंगे। ये पानी सूख गया मुकम्मल तौर पे। इस पे मोटा कपड़ा या कोई अखबार आपके पास मौजूद हो या मोटा कपड़ा हो इसके ऊपर रख के ऊपर ढक्कन रख देंगे। बसने चीज इसके ऊपर रख। अब हमारे पास यही एक वजनी चीज है जिसमें अंदर साल पड़ा हुआ है, इसी से हम काम चलाते हैं। ये अब तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया है, 20 मिनट बाद इंशाल्लाह इसको ओपन करेंगे। अब ये हमारा स्पेशल काबली पुलाव तैयार है। अब हम इसको जो बचा हुआ गाजरे हैं और मेवा है इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह जबरदस्त काबली पुलाव जबरदस्त।